अरे हमें क्या चाहते हमें क्या चाहते आजादी हक हमारा आजादी हक हमारा आजादी एक छुआछूत से आजादी एक छुआछूत से आजादी एक जात पात से आजादी। ऐसे तो कहा जाता है जल ही जीवन है, लेकिन जब जल किसी के लिए मौत का सबब बन जाए तो आप क्या कहें? यह हम नहीं कह रहे हैं, यह राजस्थान का ताज़ा घटनाक्रम है जहां एक दलित छात्रों को इसलिए बेरहमी से पिटाई की गई कि उसने सवर्ण शिक्षक के मटके से पानी निकाल कर पी लिया। पानी तो उसने पिया होगा निश्चित रूप से अपनी प्यास बुझाने के लिए, ना कि जान गंवाने के लिए। अब इसे हम क्या कहें? उस मासूम का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने शिक्षक के मटके से पानी पी और उसके बदले उसे मिली क्या? मौत। शिक्षक ने बेरहमी से उसकी पिटाई की और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसको लेकर पूरे भारत में आंदोलन चलाया जा रहा है। आंदोलन की चिंगारी झारखंड की उपराजधानी दुमका भी पहुंच गई है और छात्र समन्वय समिति के बैनर तले दुमका के SP कॉलेज के सामने छात्रों ने राजस्थान के मुख्यमंत्री का पुतला फूंका और जो मृत छात्र है इंद्र मेघवाल, उसके परिजनों को न्याय दिलाने की मांग की। क्या कहना है छात्रों का, पहले आप वो सुनिए। आज हम लोग जिसे देख रहे हैं, हमारे भारत देश आज़ाद हुए आज 75 वर्षगांठ मनाया जा रहा है। यहाँ पे अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। जिस तरह से लग रहा है कि अमृत महोत्सव नहीं, ये मृत महोत्सव मनाया जा रहा है। राजस्थान में आज हमारे दलित छात्र के साथ, 9 साल के छात्र के साथ ये हवानियत किया जा रहा है। आज उस छात्र को घड़ा का पानी पीने के बदले में उसको मौत का घाट उतारा जाता है। आज हम लोग सोच सकते हैं ये एक मानसिकता का एक बहुत बड़ा बीमारी है। ये मानसिकता पूरे देश से खत्म करना होगा, इस मानसिकता को बदलना होगा, तभी हमारे दलितों को, हमारे आदिवासियों को आज़ादी मिलेगी। इसीलिए आज हम लोग रोड में उतर गए हैं और उस छात्र को न्याय मिलना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजाएं मिलना चाहिए। सबसे पहले तो उस मानसिकता को खत्म करना चाहिए इस देश से, ताकि हमारे सभी लोगों को, यहाँ भारतवासियों को, जैसे हम लोग बोलते हैं हम सब भारतवासी हैं, हम सब एक हैं, लेकिन आज भी वो कहीं ना कहीं से हम लोग एक नहीं है, कहीं ना कहीं हम लोग कहीं ना कहीं से अलग अलग आज बिखरा हुए हैं। क्योंकि आज हम लोग के साथ मानसिकता के साथ हम लोगों को उत्पीड़न किया जा सकता है। आज हम लोग देख सकते हैं कि उस छात्र को मारा गया तब जाके आज इतना बड़ा कदम उठाया है, और नहीं तो वो भी कहीं ना कहीं दबाया जाता। आज भी वहाँ का प्रशासन उस मृत परिवार को आज भी वहाँ पे डंडे से लेकर के प्रहार किया जाता है, उसे दबाने का कोशिश किया जाता है। ये तो मृत हो गए, उसके बाद जो है इतना बड़ा बवाल हुआ है, अन्यथा इसको दबाया जाता यदि मृत नहीं होते तो। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कड़ी से कड़ी सजा हो और इस मानसिकता को पूरे देश से खत्म किया जाए, मिटाया जाए। वास्तविकता में जातिवाद है, छुआछूत है, जो आज से हजारों साल, 500,000 साल पहले जो चल रही थी समाज में, आज भी वही कुरीतियाँ हैं। तथाकथित आज़ादी जो हुई है, अभी जो हाल ही का जो घटना है, हमारे भाई इंद्रजीत मेघवाल मात्र 9 साल का बच्चा है। 9 साल का बच्चा को जाति के बारे में, छुआछूत के बारे में क्या पता होगा? वो स्कूल गया पढ़ने के लिए, उसको ये मनुवादी मानसिक तौर के शिक्षक ने इसलिए मार दिया क्योंकि उसका घड़ा से वो पानी पी लिया था, जिसके कारण से उसको सजाए मौत की उसको सजा दिया गया। तो हमें इंद्रजीत मेघवाल भाई का न्याय के लिए हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं। हमारे साथ पक्षपात शुरू से होती आ रही है, अभी भी पक्षपात हो रही है। हमारे मेघवाल भाई को भी 50 देना चाहिए, लेकिन 5 लाख सिर्फ दे रहा है, ये कौन सी बात हुई? सरकारी नौकरी का हम लोग मांग कर रहे हैं, फैमिली मेंबर में एक सरकारी नौकरी देना चाहिए। तो हम लोग ये अभी गलोप का और वर्ण व्यवस्था का अभी हम लोग पुतला दहन करेंगे। हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे पानी पीने की। यहाँ आपने एक नारा भी सुना, हमें चाहिए आज़ादी। निश्चित रूप से इस नारे को सुनने के बाद आपके भी जेहन में JNU का वो नारा याद आ गया होगा। लेकिन यहाँ आज़ादी किससे? इस सवाल का जवाब ये छात्र खुद ही दे रहे हैं। इन्हें जातिवादी व्यवस्था से आज़ादी चाहिए, मनुवादी व्यवस्था से आज़ादी चाहिए। आज़ादी के 75 वर्ष बीत गए। एक तरफ तो हम आज़ादी का अमृत महोत्सव वर्ष मनाकर अपने आप को फूले नहीं समा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी अगर हमारे समाज में इस तरह की संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं, तो निश्चित रूप से आज भी हम बहुत ऐसे मामले हैं जिसमें आज़ाद नहीं हुए हैं। तो इन छात्रों की जो आज़ादी का नारा है, अब इस पर निर्णय आप करें, इनका आज़ादी की मांग सही है या गलत,
द न्यूज पोस्ट के लिए दुमका से पंचम कुमार झा।